हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शिवम और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब टेक्नोलॉजी चैनल मिस्टर बॉट। फ्रेंड्स, आज के इस पावर शेल की वीडियो में हम आगे की कुछ और कमांड्स को जानेंगे, देखते हैं कि पावर शेल के साथ हम क्या क्या कर सकते हैं। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि पैकेज प्रोवाइडर क्या होता है, पैकेज सोर्स क्या होता है, कैसे पैकेज को फाइंड करते हैं, ठीक है, और कैसे किसी एप्लीकेशन को इंस्टॉल किया जाता है, अनइंस्टॉल किया जाता है पावर शेल की हेल्प से, ये सारा चीज़ें जो हमने पिछली वीडियो में जानी थी। अगर आप सभी ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो को आप देख लीजिएगा। उस वीडियो का लिंक जो है मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप सभी एक बार उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। तो आज की इस वीडियो में हम आगे की कुछ कमांड्स को देखेंगे, ठीक है। सारी की सारी इंपॉर्टेंट कमांड्स है, आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। अभी तक फ्रेंड्स यूट्यूब पर हिंदी में पावर शेल के बारे में लोगों ने वीडियोस जो है नहीं बनाया है, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप सभी के लिए हिंदी में काफ़ी अच्छे तरीके से, वो भी आने वाले टाइम में पावर शेल को मैं और भी ज़्यादा एडवांस करते जाऊँगा। अगर आप सभी इंटरेस्ट लेंगे और नीचे कमेंट में मेरे को बताएंगे, और भी अच्छे अच्छे ट्यूटोरियल जो है इस टॉपिक पर आपको जो है आने वाले टाइम में देखने को मिलेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं फ्रेंड्स कि अगर आपको ये चेक करना है पावर शेल की हेल्प से कि आपके सिस्टम में कौन कौन सी ड्राइव जो है इंस्टॉल है, सी ड्राइव डी ड्राइव उनका साइज क्या है, कितना स्पेस फ्री है, अगर ये जानना है तो आप कैसे जानेंगे, तो इसके लिए कमांड है गेट और यहाँ पे लिखेंगे ps ड्राइव। इस कमांड को जैसे आप एग्जीक्यूट करेंगे तो देखिए आपके सामने सारी इन्फॉर्मेशन आ गई है, जैसे कि ड्राइव का लेटर नेम, कितना यूज़ हो गई है, कितनी फ्री है, प्रोवाइडर नेम, रूट और करंट लोकेशन, ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है आपके सामने यहाँ पर आ गई है। तो चलिए इसको फिलहाल मैं कर लेता हूँ क्लियर। अगर अब आपको ये जानना है कि आपके कंप्यूटर का नेट आईपी एड्रेस क्या है, तो आप कैसे पता लगाएंगे पावर शेल की हेल्प से, जैसे सीएमडी में तो हम आईपी कॉन्फ़िग वगैरह कर लेते हैं, इसमें क्या करेंगे, तो इसके लिए कमांड है गेट और आपको यहाँ पे लिखना होगा नेट आईपी एड्रेस। इस कमांड को आपको यहाँ पे एग्जीक्यूट कर देना है और आपके सामने ये इन्फॉर्मेशन आ जाएंगी। बूम, अब ये क्या हुआ, अब आप में से बहुत सारे लोग बोलेंगे इतनी सारी इन्फॉर्मेशन इसने क्या प्रिंट करा दी, ये अलग अलग एडेप्टर की अलग अलग इन्फॉर्मेशन इसने दी है, ठीक है। क्योंकि आप फ्रेंड्स जानते हैं कि एक दो टाइप के एडेप्टर है, एक जो आपके कंप्यूटर में एक फिजिकली इंस्टॉल्ड है जो हार्डवेयर के फॉर्म में है, और एक कुछ वर्चुअली भी होता है जो हम सॉफ्टवेयर की उससे जो है इसको इंस्टॉल कर लेते हैं, तो यहाँ पर दोनों ही हैं, तो दोनों की इन्फॉर्मेशन जो है इसने यहाँ पर प्रिंट करवा के दे दी है। एग्जाम्पल के लिए देख सकते हैं आईपी एड्रेस, ठीक है, इंटरफेस इंडेक्स क्या है, ठीक है, इसका जो WSL के पोर्ट पे अभी चल रहा है तो यहाँ पे दिखा रहा है, तो WSL वाला क्या है यहाँ पे फ्रेंड्स, ये वर्चुअल इंस्टॉल किया हुआ है, तो सारी इन्फॉर्मेशन जो है आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी कि कौन से पोर्ट में, ठीक है, कौन से अडेप्टर में कौन सा आईपी एड्रेस जो है यहाँ पर चल रहा है। तो उसको फ़िलहाल हम कर लेते हैं अभी क्लियर। अगर आपको TCP कनेक्शन कि अगर आपको कॉन्फ़िगरेशन चेक करना है, जैसे कि पोर्ट नंबर कौन कौन से लिस्टेड हैं, ठीक है, ये सारी इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो आप क्या करेंगे, तो इसके लिए कमांड है गेट और यहाँ पे लिखना होगा आपको नेट TCP और लिखना होगा कनेक्शन, ठीक है, CONNECTION। इस कमांड को जैसे आप एग्जीक्यूट करेंगे तो देखिए आपके सामने इन्फॉर्मेशन आ गई है, जैसे कि लोकल एड्रेस, ठीक है, लोकल पोर्ट, ठीक है, रिमोट एड्रेस, ठीक है, रिमोट पोर्ट, कौन सा पोर्ट ओपन है, तो देख रहे हैं यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन जो है यहाँ पे आपके सामने आ गई हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, आप सभी के लिए नेटवर्किंग के टाइम पे बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। तो चलिए अब इसको कर लेते हैं हम यहाँ पे फिलहाल क्लियर। फ्रेंड्स, होता क्या है, बैकग्राउंड में जब हम अपने विंडोज़ को यूज़ करते हैं तो बैकग्राउंड में इंटरनेट से कनेक्ट होने के बाद अपडेट्स जो है हमारा विंडोज़ ऑटोमेटिक चेक करता है और उसको इंस्टॉल भी कर देता है। जैसे कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट्स होते हैं, जैसे कि पैचेस हो गए, अगर आपको ये देखना है कि आपके कंप्यूटर में कौन कौन से पैचेस इंस्टॉल है, कौन कौन से अपडेट इंस्टॉल है, अगर ये सब चेक करना है तो आप कैसे करेंगे पावर शेल की हेल्प से, तो इसके लिए कमांड है आपको यहाँ पर लिखना होगा गेट और लिखना होगा हॉट फिक्स। इस कमांड को जो है आपको एग्जीक्यूट कर देना है, आपके सामने इसकी लिस्ट जो है आ जाएगी पूरी की पूरी टेबल। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे अपडेट का सोर्स क्या है, डिस्क्रिप्शन क्या है, इसकी हॉटफिक्स आईडी क्या है, जो यहाँ पे लिखा आता है ना अपडेट के आगे कि अपडेट इंस्टॉलिंग के भी, और आगे जो नंबर आते हैं लिखे हुए इंस्टॉल्ड बाय और इंस्टॉल्ड ऑन, यानी किस डेट को इंस्टॉल हुआ है, ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है यहाँ पर प्रिंट कर देगा। तो बहुत काम की कमांड है और ये आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या है, मेरे केस में अभी मैंने कुछ ही अपडेट इसमें इंस्टॉल कर रखे हैं, आपके केस में ये बहुत ज़्यादा भी हो सकते हैं। अगर आपको चेक करना है कि आपके सिस्टम में टोटल कितने अपडेट्स जो हैं इंस्टॉल्ड है, तब ऐसे केस में क्या करेंगे, तो यहाँ पे सिंपल सा हम यहाँ पे पाइप लगा दिया, हम यहाँ पे हम लिखेंगे मेज़र,
ठीक है, और ये इसको काउंट करके बता देगा जैसे कि काउंट क्या है, एवरेज क्या है, सम, मैक्सिमम, मिनिमम प्रॉपर्टी, यहाँ पे जो है सारी इन्फॉर्मेशन जो है आपको ये दे देगा। तो यहाँ पे जैसे इसने काउंट 12 दिया है, अगर आप इसको काउंट करेंगे अपडेट को ऊपर से लेके यहाँ तक, तो 12 ही यहाँ पे आपको शो होगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट कमांड है, बहुत काम की आने वाली है, तो इसको फिलहाल हम कर देते हैं क्लियर। अगर आपको फ्रेंड्स ये देखना है कि आपके कंप्यूटर में बैकग्राउंड में कौन कौन से प्रोसेस जो है, यानी कौन कौन सी एप्लीकेशंस रनिंग में है, अगर ये चेक करना है तो आप कैसे चेक करेंगे इसके अंदर, हम टास्क बार में जाके तो देख लेंगे, इसके अंदर कैसे करेंगे। इसके अंदर है फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे लिखना होगा गेट और लिखना होगा प्रोसेस। इस कमांड को सिंपल से एग्जीक्यूट कर दीजिए, आपके सामने सारी की सारी जो है लिस्ट आ जाएगी, जैसे प्रोसेस नेम, प्रोसेस आईडी क्या है, सीपीयू यूटिलाइजेशन कितना है, ठीक है, सारी इन्फॉर्मेशन जो है आपके सामने यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, बहुत काम की कमांड है और आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा काम आने वाली है, ख़ासतौर पर जब हम कुछ स्क्रिप्टिंग वगैरह करते हैं तब ऐसे टाइम पर बहुत ज़रूरत पड़ती है ये सब इन्फॉर्मेशन अगर आपको गेट करनी हो तो। इस वजह से मैं आपको ये सारी कमांड्स बता रहा हूँ, जिस वजह से आने वाले ट्यूटोरियल में जैसे हम स्क्रिप्टिंग सीखेंगे तो बहुत काम आएगी आपको। अब अगर फ्रेंड्स हमें ये जानना है कि हमारे आईपी कॉन्फ़िगरेशन क्या है, तो हम कैसे चेक करेंगे, तो इसके लिए कमांड है नेट। पहले यहाँ पर लिख देता हूँ मैं गेट, अब आपको लिखना होगा नेट आईपी कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे मैंने लिखा और इसको एग्जीक्यूट कर दिया, तो यहाँ पे जितने भी अडेप्टर में सिस्टम में इंस्टॉल्ड है, चाहे वो वर्चुअली है चाहे वो यानी फिजिकली है, उसका इन्फॉर्मेशन जो है इसने यहाँ पे प्रिंट कर दिया है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, जैसे आईपी एड्रेस हो गया, ठीक है, सारी इन्फॉर्मेशन जो है, मैं अपने केस में वाईफाई का यूज़ कर रहा हूँ तो यहाँ पे वाईफाई वाले अडेप्टर पे इसने बता देगी किस कंपनी का है, ठीक है, उसकी SSID क्या है, यानी प्रोफाइल नेम, यानी वाईफाई का नेम जो है, IP एड्रेस क्या मेरे को इस टाइम असाइन हो रखा है, तो सारी इन्फॉर्मेशन जो है इसने यहाँ पे प्रिंट करके मेरे को दे दी है। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे अगर आपको ये जानना है, यहाँ पे एक मेरे दिमाग में आई बात, इस इन कमांडों के थ्रू तो हम तो ये तो पता लगा रहे हैं, लेकिन हमें अगर ये पता लगाना है कि हमारे कंप्यूटर में सिर्फ हार्डवेयर यानी फिजिकल हार्डवेयर कौन कौन से इंस्टॉल है नेटवर्क अडेप्टर में, तो हम कैसे पता लगाएंगे, तो फ्रेंड्स उसके लिए आप यहाँ पे लिखेंगे गेट और लिखेंगे आगे आप नेट अडेप्टर, ठीक है, और नेट अडेप्टर अब आपको लिखना है हार्डवेयर इन्फो, क्योंकि हमें क्या करना है, हार्डवेयर की इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो यहाँ पे हम लिखेंगे हार्डवेयर और क्या चाहिए हमें, इन्फॉर्मेशन, तो इन्फॉर्मेशन के लिए क्या करेंगे, इन्फो, INFO। अब जैसे मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो देखिए इसने मेरे को यहाँ पे टेबल प्रिंट कर दी है, जैसे कि इसमें इसने मेरे को नेम दिया है, सेगमेंट, बस, डिवाइस, फंक्शन, स्लॉट, ठीक है, PCI लिंक स्पीड, ये सारी इन्फॉर्मेशन इसने दी है। अब आपको मैं यहाँ पे फ्रेंड्स एक चीज़ और बता देता हूँ, जैसे कि मान लीजिए कि मैं यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन नहीं देखना चाहता, मैं सिर्फ कुछ इन्फॉर्मेशन देखना चाहता हूँ, जैसे कि मैं चाहता हूँ कि सिर्फ मेरे को नेम पता लगे, ठीक है, नेम के बाद अगर मैं चाहता हूँ कि डिवाइस की इन्फॉर्मेशन पता लगे या उसकी PCI लिंक स्पीड क्या है या उसका वर्जन क्या है, ये सब मेरे को जानना है, तो मैं कैसे प्रिंट कराऊँ, ये है मेन मुद्दा। तो इसके लिए क्या करना है, यहाँ पे जैसे मेरे को नेम चाहिए तो मैं लिखूँगा नेम, अब नेम के बाद मैं यहाँ पे क्या प्रिंट कराना चाहता हूँ, मैं PCIe लिंक स्पीड यहाँ पे मैं प्रिंट करवाना चाहता हूँ, और इसके बाद मैं वर्ज़न प्रिंट करवाना चाहता हूँ, ठीक है, ये तीन इन्फॉर्मेशन फ़िलहाल मैं प्रिंट करवाना चाहता हूँ इस कमांड की। तो यहाँ पे ऐसे मैं करूँगा तो यहाँ पे देखिए तीन इन्फॉर्मेशन यहाँ पे प्रिंट हो गई है। ये टेक्निक आप किसी भी कमांड के साथ यूज़ कर सकते हैं, बहुत काम की कमांड है, ठीक है, आप सभी के लिए बहुत यूज़फुल भी है, तो इस कमांड को आप देख लीजिए, बहुत काम आने वाली है आपके। तो चलिए फ़िलहाल इसको कर देते हैं हम क्लियर। आई थिंक आप सभी इतने से काफ़ी अच्छा जो है जान गए होंगे, बस आप सभी को एक प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम ये जानते हैं कि अगर हमें अपने सिस्टम का, जैसे हम देखते हैं कि पिंग चेक करना हो, जैसे पिंग अगर हमें देखना हो किसी वेबसाइट के साथ, तो हम सिंपली CMD में पिंग कमांड का यूज़ करते हैं। इसके अंदर हम कैसे यूज़ करेंगे ये पिंग कमांड, इस चीज़ को थोड़ा सा हम देख लेते हैं। तो इसके लिए आपको लिखना होगा टेस्ट, क्योंकि हमें कनेक्शन की स्पीड टेस्ट करनी है, तो कनेक्टिविटी चेक करनी है, तो यहाँ पे लिखेंगे टेस्ट नेट, अब आपको लिखना होगा कनेक्शन, CONNECTION कनेक्शन, अब आपको कनेक्शन के बाद जो है कंप्यूटर नेम देना होगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कंप्यूटर नेम। तो कंप्यूटर नेम क्या है हमारा, सपोज मान लीजिए यहाँ पे हम गूगल का चेक कर लेते हैं, www.google.com, ठीक है,
जैसे मैंने इसको एग्जीक्यूट किया तो ये मेरे को इन्फॉर्मेशन यहाँ पे प्रिंट कर देगा। तो देखिए इसने इन्फॉर्मेशन यहाँ पे प्रिंट कर दी है। अगर मैं चाहता हूँ कि इन्फॉर्मेशन जो है मेरे को हर एक इन्फॉर्मेशन डिटेल्ड में प्रिंट हो तो उसके लिए क्या करें, तो सेम इसी कमांड के आगे आपको लिखना है इन्फॉर्मेशन लेवल और क्या करना है हमें इन डिटेल्ड, तो इन्फॉर्मेशन लेवल स्पेस डिटेल्ड यहाँ पे हम लिखेंगे और इसको क्या कर देंगे एग्जीक्यूट कर देंगे। तो देखिए अब ये यहाँ पे इन्फॉर्मेशन जो है इसने इस कंप्यूटर नेम यानी जो डोमेन नेम है हमारा google.com इसका इन्फॉर्मेशन जो है इसने यहाँ पे प्रिंट करके दे दिया है। अब आई थिंक आप सभी अच्छे से जान गए होंगे कि आपको इस कमांड का कैसे यूज़ करना है। जैसे कि हमें ट्रेसेट कमांड का यूज़ करते थे, ट्रेस रूट कमांड का, तो उसके अंदर हम लिखते थे ट्रेसर्ट, फिर लिखते थे www. जो भी डोमेन नेम है वहाँ पे डालते थे CMD के अंदर। लेकिन यहाँ पे हम कैसे करेंगे, तो यहाँ पे भी फ्रेंड्स बहुत सिंपल सा टेक्निक है। यहाँ पे आप लिखेंगे कमांड में टेस्ट और यहाँ पे लिखेंगे नेट कनेक्शन, ठीक है, क्योंकि हमें टेस्ट करना है फिलहाल नेट कनेक्शन। अब इसके बाद आपको डोमेन नेम देना है, तो यहाँ पे मैं डोमेन नेम दे देता हूँ google.com। google.com के बाद यहाँ पे मैं लिखूँगा ट्रेस रूट। जैसे मैं इस कमांड को यहाँ पे मैं एग्जीक्यूट कर दूंगा तो यहाँ पे देखिए ये जो है इसके रूट जो है यहाँ पे ट्रेस करने के बाद यहाँ पे प्रिंट कर देगा। तो ये कमांड जो है थोड़ा सा टाइम भी ले सकती है आपके केस में, इंटरनेट इनेबल होना चाहिए बस आपके, तो यहाँ पे बता देगा जैसे कि कंप्यूटर नेम इसने बता दिया, रिमोट एड्रेस बता दिया, इंटरफेस बता रहा है कि किस इंटरफेस से आपका सिस्टम कनेक्टेड है, तो हम वाईफाई से कनेक्टेड है तो उसका सोर्स एड्रेस क्या है ये है, पिंग सक्सेस हुआ नहीं हुआ, कितने MS में पिंग यहाँ पे आ रहा है इस कंप्यूटर से आपके कंप्यूटर तक, तो सारी इन्फॉर्मेशन जो है यहाँ पे जो है आ जाएगी। तो फिलहाल फ्रेंड्स आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आप सभी को ये वीडियो कैसी लगे नीचे कमेंट में जरूर बताना। इस वीडियो के रिगार्डिंग अगर आप सभी को कोई भी क्वेरी है तो वो भी नीचे कमेंट में जरूर बताना। अगर आपने अभी तक मेरे को इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो नहीं किया तो प्लीज़ फॉलो कर लीजिए, वहाँ पर मेरा यूज़र नेम है officialmrbot। तो चलिए फ्रेंड्स मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। Are you scared? I am you.